मॉलिक्यूल्स के नाम से, ये चैप्टर बाकी ऑर्गेनिक्स से बिल्कुल अलग है। ये चैप्टर बच्चों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल क्रिएट करता है। अब तो सिलेबस का पैटर्न, आई मीन सॉरी, पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, वरना अगर आप 2018 से पहले पास पेपर्स देखें ना, तो 2018 से पहले के जो पास पेपर्स हैं उनमें केमिस्ट्री के पेपर वन में आउट ऑफ 40 12 मार्क्स ऑर्गेनिक के होते थे, और उन 12 में एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर के होते। अब थोड़ा सा लिमिट हो गया है, तो लिमिट इस तरह से हो गया कि ऑर्गेनिक अब आपकी 32 मार्क्स से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस होंगे, यानी 8 से 9 क्वेश्चंस जो हैं आपके ऑर्गेनिक से आएंगे पेपर वन में, और पेपर वन में इस चैप्टर से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू में। थ्योरी की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक में थ्योरी अगर आ रही है तो थ्योरी में ये चैप्टर लाजमी तौर पर शामिल किया जाता है, क्योंकि जो हम इसमें ड्रॉइंग स्ट्रक्चर सीखेंगे वो मुश्किल होते हैं। अगर आप में कॉमन सेंस नहीं है, आप स्मार्ट नहीं है, समझा हुआ नहीं है, तो आप गलत ड्रॉ करेंगे, यू विल डू सम मिस्टेक जिससे वो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो मेरे बच्चे शुरू करते हैं, बड़ा ही इजी इजी नोट पर इस चैप्टर को लेकर चलेंगे। चैप्टर है मैक्रोमोलिक्यूल का, ठीक है। कोशिश करेंगे थोड़े से लब कुशाई करते रहे, आई मीन लिप मूवमेंट करते रहे, ठीक है। कोई पाउट बना के चुम्मियां नहीं देनी है मुझे, फ्लाइंग किस नहीं देना, लेकिन बोलते रहना है ताकि चैप्टर याद हो जाए, क्योंकि अदरवाइज दिस चैप्टर बिकम्स रियली कॉम्प्लिकेटेड। बेटा मैक्रोमोलिक्यूल, बिस्मिल्लाह, मैक्रोमोलिक्यूल जब हम कहते हैं, मैक्रो कहते हैं बड़े को, मॉलिक्यूल इज अ कंपाउंड। तो अगर आप सिर्फ लफ्जी तर्जुमा करें तो मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब बड़ा कंपाउंड, बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में तो आपने ही मंजन बेचा था जब चैप्टर, जब ऑर्गेनिक शुरू की थी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंशिएटर यही होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़े कंपाउंड होते हैं। व्हाट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, बताओ? यही था ना कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं, इनके मॉलिक्यूलर मासेस कम होते हैं, साइज में भी छोटे होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़े कंपाउंड होते हैं विद बिगर मासेस, बिगर स्ट्रक्चर, कार्बन चेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही डिफरेंशिएटर था। तो सर अब आप ऑर्गेनिक में मैक्रोमोलिक्यूल लिख के कह रहे हैं ये बड़े कंपाउंड होते हैं, तो भाई ये ऑर्गेनिक के भी बाप, यानी ऑर्गेनिक के भी बड़े कंपाउंड, ऑर्गेनिक में भी कंपाउंड की जो, देखो ना आपने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, डीकीन, ये पढ़ा, ये सब ऑर्गेनिक है, ये सारे ऑर्गेनिक है, इन ऑर्गेनिक के मुकाबले में बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन जब हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी बहुत बड़े साइजेस के कंपाउंड्स हैं। कितना साइज है अगर मैं आपको सिर्फ अंदाजे के लिए बताऊं, तो जैसे एक एग्जांपल, आपने प्रोटीन, प्रोटीन का वर्ड सुना है कभी? प्रोटीन एक कॉमन टर्म है जो आप बायोलॉजी वाले नहीं भी हैं तब भी आपने सुन रखी है, प्रोटीन। तो भाई प्रोटीन अगर एक, जो जैसे आपने जो जिम वगैरह से एक्सपोजर जिनका है, तो आपने प्रोटीन का नाम सुना होगा, वे प्रोटीन, बहुत कॉमन जिम में इस्तेमाल होने वाला प्रोटीन है। इस वे प्रोटीन का एक जो कंपाउंड होता है उसमें लगभग 7,000 से लेकर, डिपेंड करता है कि उसकी ब्रांचिंग कैसे हुई है, 7,000 से लेकर 50,000 तक कार्बन होते हैं। तो अब आप सोचे कितना बड़ा कंपाउंड होगा। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है ना वो इनऑर्गेनिक में भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी। तो पहली चीज जो हमें समझ आती है वो है व्हाट इज मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल सिंपली मींस बड़ा मॉलिक्यूल। जिसमें पहली टर्म आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसे हम कहते हैं मोनोमर, और दूसरी टर्म आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। मोनोमर एंड पॉलीमर, मेरे बच्चे एक एग्जांपल, इस दोनों टर्म्स को समझने के लिए हम एक दीवार या एक बिल्डिंग को समझते थे। अगर एक बड़ी सी दीवार आप देख रहे हैं तो ये दीवार, ये वॉल आपको टुगेदर एज अ बड़ा यूनिट नजर आ रही है, एज अ लार्जर यूनिट नजर आ रही है। लेकिन क्या दीवार एक सिंगल यूनिट है या एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ स्मॉलर यूनिट्स? इट इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ स्मॉलर यूनिट। दीवार अपने आप में एक नहीं है, उसे बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से जोड़कर बनाया गया है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है मोनोमर और पॉलीमर का। बेटा कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर पॉलीमर कहलाता है, और पॉलीमर बना होता है छोटे 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 मोनोमर, मोनोमर्स को कंबाइन करके, उन छोटे यूनिट्स को आप क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। जैसे इस दीवार की एग्जाम्पल में ब्लॉक्स क्या है? मोनोमर्स है, एंड दीवार जो इनको जोड़कर बनाई गई है वो क्या है? पॉलीमर है। मोनोमर मतलब स्मॉलर यूनिट, पॉलीमर मतलब लार्जर यूनिट। तो जब बहुत सारे छोटे 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 धागों को मिलाया तो फैब्रिक तैयार हो गया, जब बहुत सारे ब्लॉक्स को मिलाया तो बड़ी दीवार, बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई।
मोनोमर का लफ्जी मतलब बोलो बेटा, मोनोमर का मतलब ऑनलाइन वालों अभी मैंने कहा बोलना पड़ेगा, बुशरा अंसारी, मोनोमर किसे कहते हैं, किसी भी चीज के स्मॉलर यूनिट को, किसी स्मॉलर भी यूनिट्स, बड़े कंपाउंड के। और पॉलीमर किसे कहते हैं भाई, हसीब जो ने जो पॉलीमर किसे कहते हैं, लार्जर यूनिट को, लार्जर स्ट्रक्चर को। ठीक हो गया, तो मोनोमर की 50 एग्जांपल आप कॉमनली उठा सकते हैं। ठीक है, आपने घर में अलमारी बनवाई, वार्डरोब बनवाई, छोटे छोटे वुडन पीसेस से, ये वुडन पीसेस क्या है मोनोमर, ये टाइल लगे हुए फ्लोर पर, ये छोटे छोटे टाइल क्या है मोनोमर है, फ्लोर क्या बन गया इनका, पॉलीमर बन गया। तो मोनोमर का सिंपल सेंस यार, बच्चे जो बचपन में ब्लॉक्स खेलते हो, तुमने भी पता नहीं अल्लाह करे खेला हो, या बचपन से ही लगे हुए थे प्रॉक्सी डाल डाल के कर रहे थे, तो पता नहीं क्या कर रहे थे। तो जो ब्लॉक्स के गेम आप खेलते हैं, पजल पीसेस बनाते हैं, ये सारी एग्जांपल बनेंगी ना मोनोमर की, छोटे छोटे जो पजल के पीसेस हैं वो मोनोमर है, और जब आपने इनको जोड़कर एक बड़ा पजल बना लिया तो ये पॉलीमर है। तो इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इन इन बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए जो साइंटिफिक नेम है वो पॉलीमर है। मैक्रो मॉलिक्यूल तो इंग्लिश का टर्म है, लेकिन जब आप साइंटिफिकली बोलते हैं तो इट्स अ पॉलीमर, और हर पॉलीमर बना होता है छोटे छोटे स्मॉलर कंपाउंड से, स्मॉलर यूनिट से, जिन्हें क्या कहेंगे, मोनोमर कहेंगे। तो मोनोमर आसान आखिरी वर्ड, मोनोमर क्या है, स्मॉलर यूनिट ऑफ एनी लार्जर यूनिट, किसी भी लार्जर कंपाउंड का स्मॉलर यूनिट क्या कहलाता है, मोनोमर। और जब बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स यानी मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो एक जो बड़ा यूनिट बनता है उसे क्या कहते हैं, पॉलीमर। अब मेरी जान के टोटो, वो अमल, वो प्रोसेस जिसमें मोनोमर, साथ साथ याद करते जाना, वो प्रोसेस जिसमें मोनोमर कंबाइन होते हैं, बहुत सारे मोनोमर मिलकर जुड़कर कंबाइन होकर इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा पॉलीमर बनाते हैं, इस प्रोसेस को मेरी जान कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो अब देखें, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, ठीक है ना, हमने बात बात में तीन चार टर्म्स निपटा दी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा हमने, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन अ बिगर मॉलिक्यूल, तो दिस चैप्टर डील्स विद सम ऑफ द बिगर स्ट्रक्चर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब साइंटिफिकली बात करें तो देयर टू टर्म्स, मोनोमर एंड पॉलीमर। पॉलीमर इज एनी लार्जर कंपाउंड, लार्जर स्ट्रक्चर, एंड जिन छोटे छोटे कंपाउंड्स को जोड़कर उस स्ट्रक्चर को बनाया जाता है उसे हम मोनोमर कहते हैं, और जब ये जोड़कर बहुत सारे मोनोमर जुड़कर एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसे पॉलीमर कहते हैं, एंड द प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो मेरे बच्चे इस चैप्टर का पहला डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, पॉलीमराइजेशन का लिखेंगे। सबको क्लियर है, तलहा ताहा आसिम नबीहा हलीमा हसीब मोहित इंशरा वली शहीद अहमद सुहेब, सबको क्लियर यस है सर, यहाँ तक। चलो बेटा डेफिनेशन लिखेंगे, पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन से शुरू है, इस चैप्टर में डेफिनेशन भी थ्योरी में आती है, लिखेंगे मेरे साथ साथ, द प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज मोनोमर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज हलीमा उमर, आपको क्लियर है बेटा, इज कॉल्ड हलीमा, हलीमा का जो, अच्छा भाई माइक पे बोला करो, इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक हो गया, आसान लफ्जों में कोई इसमें टेक्निकल डेप्थ नहीं है, सिंपल सी बात है, लेकिन हाँ इस डेफिनेशन में बेटा एक चीज गलती करते हैं बच्चे, आप जब मोनोमर ये डेफिनेशन लिखेंगे तो आप यू ऑलवेज हैव टू मेंशन कि बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर, ये आपने बात करनी है कि मोनोमर की तादाद बहुत ज्यादा होगी, साइज बहुत छोटा होगा, और ये आपस में जुड़ेंगे तो अब जो इनका रिजल्ट होगा वो अकेला होगा लेकिन बहुत बड़ा होगा। ठीक हो गया, सही है जी। अब मेरे बच्चे ऑनलाइन पे किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, हसीब हारिस इब्राहिम आसिम ताहा नबिया शफीक, क्लियर है बेटा, निब्बी समझ आ गई बात, ये स्लैंग में वर्ड होता है ना, निब्बा निब्बी, निब्बा क्या होता पंद्रह
छोटे छोटे बच्चे निक्के निक्के हैं। अच्छा जी, इत्तफाक से कल परसों परसों मेरे नजर से एक सोशल मीडिया रील गुजरी, एक नई चीज लगी। वैसे तो अजीब सी, यानी हमारे नौजवान कहाँ लगा हुआ है, एक बेसिकली पिकअप लाइन थी जो लड़का लड़की को बोल रहा था, तो मेरे लिए नया इजाफा था ये कि मैंने कहा ये भी आ गया मार्केट में। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हें एबीसीडी आती है, लड़की बोलती है हाँ आती है। खेलने के लिए जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी एबीसीडी से 5 लेटर्स मिस हो गए। तो उसने कहा को कौन से, अरे यू आर आ क्यू टी। ओहो मेरे बच्चे, वो टिकटॉक वाली रील्स की बात नहीं हो रही जो तुम देख देख के जो है ना वो बाल बढ़ा रहे हो। चलो बाहर बैक टू द डिस्कशन, अब ऐसा ना हो ये पिकअप लाइन नहीं इस्तेमाल करते हुए आप पकड़े, रिकॉर्डिंग में आ गई है। चलो कमेंट तो आ जाएंगे इसके ऊपर। अच्छे आगे चलते हैं मेरे बच्चे। मेरे भाई अब पॉलीमराइजेशन आपको समझ आ गई। पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस दो टाइप्स का होता है बेटा, साथ साथ पूरा चैप्टर का लेआउट भी समझते जाइएगा। बुशरा मंजर, एडिशन पॉलीमराइजेशन बेटा एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बेटा, चैप्टर को मैप करना है दिमाग में। पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कितने टाइप का है, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चों दो जोर से आवाज निकाल लिया करो कभी, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, दोनों पॉलीमराइजेशन की टाइप्स हैं। अब जरा समझते हैं दोनों में फर्क क्या है, गौर से सुनिएगा फिर लिखेंगे भी इंशाल्लाह। बेटा एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है कि मान लीजिए आप इतने सारे बच्चे बैठे हो, आप सारे मोनोमर हो, छोटे छोटे निके निके, ठीक है, और आप सारे आपस में कंबाइन हो जाओ। कैसे कंबाइन हो जाओ, मैं एक रस्सी लूं और उस रस्सी से सबको बांध दूं, या सबके फेविकॉल लगा के सबको एक साथ चिपका दूं, तो सारे क्या होंगे, सारे मोनोमर्स हो आप, और सारे सिंपली आप क्या हुए, एक दूसरे, चलो चिपकाते भी नहीं है बांधते भी नहीं है, आप सब एक दूसरे का हाथ थाम के एक सर्कल बना लो, या आप सब एक दूसरे को जकड़ लो। तो अब ये जो पूरा एक कंबाइन यूनिट बना, जिसमें क्या हुआ, सिंपली जो मोनोमर्स थे वो सिंपली एड हुए, सिंपली क्या हुए, कंबाइन हुए, कोई इसमें रिमूवल नहीं हुआ, कोई इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं हुई, कोई इसमें तोड़फोड़ नहीं हुई, बल्कि सिंपली मोनोमर ऐड हो गए, कंबाइन हो गए, लिंक हो गए। जैसे चलो आपको कुर्सियां रखी हुई हैं, इतनी सारी कुर्सियां अलग अलग है ना, ये मोनोमर हैं छोटे छोटे, अब इन सारी कुर्सियों को मैं एक धागे से एक दूसरे से कनेक्ट कर दूं या एक रस्सी से एक दूसरे जोड़ दूं, अब ये बन जाएंगे एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल बड़ा यूनिट, ठीक है जी। तो सिंपली व्हेन मोनोमर्स आर एडेड, दिस इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन। अगर मैं इसको इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करूं, तो मान लीजिए कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ x मॉलिक्यूल्स हैं, x इज अ मोनोमर हियर, x इज अ मोनोमर, और मोनोमर का नंबर एक या दो तो नहीं होता ना, मोनोमर तो बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। इफ आई हैव n नंबर ऑफ मोनोमर्स, तो जब मैं इनको कंबाइन करूंगा तो ये सिंपली क्या हो जाएंगे, फरिया पराचा, n नंबर ऑफ मोनोमर्स विल सिंपली एड विद ईच अदर टू फॉर्म xn। क्या मतलब, अगर मैंने मोनोमर्स अहमद 100 लिए थे, तो वो 100 एन क्या हो गया 100, एक्स इज आर मोनोमर, तो वो 100 के 100 जो मॉलिक्यूल थे वो आपस में लिंक होके क्या बना लेंगे, एक्स है। दिस इज व्हाट एडिशन पॉलीमराइजेशन लुक लाइक। एडिशन पॉलीमराइजेशन को एट अ ग्लांस आप पहचान लोगे कि जितने भी मोनोमर्स आप यूज कर रहे हो वो सारे मोनोमर्स सिंपली क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगे, असेंबल हो जाएंगे, सिंपल एडिशन। जबकि कंडेंसेशन में थोड़ा सा फर्क है, इसीलिए कंडेंसेशन जब समझेंगे तो एडिशन की बात और समझ आ जाएगी। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने कभी दीवार बनती हुई देखी, जब दीवार बना रहे होते हैं ब्लॉक लगाते हैं, फिर ब्लॉक के दरमियान में क्या रखते हैं, सीमेंट रखते हैं, सिर्फ ब्लॉक्स को एक दूसरे पे ऐसे चिपका तो नहीं देते ना, सीमेंट रखते हैं, फिर कहीं पर सीमेंट ज्यादा लग जाती है तो फिर उसको रद्दा लगा के साफ करते हैं, गिराते हैं। तो जब ये पॉलीमराइजेशन हो रही है, ब्लॉक से दीवार बन रही है, पॉलीमराइजेशन है ना, मोनोमर से पॉलीमर का बनना पॉलीमराइजेशन। तो इस दीवार के बनने में आप देख रहे हैं दरमियान में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स रिमूव भी हो रहे हैं, कहीं पर ब्लॉक तोड़ के अलग कर रहे हैं दीवार सीधी करने के लिए, कहीं पर सीमेंट गिरा के अलग कर रहे हैं दीवार सीधी करने के लिए, सही से बनाने के लिए फिनिशिंग के साथ। जबकि जब हमने कुर्सियां जोड़ी थी तो हमने कुछ तोड़ा फोड़ा नहीं था, कुर्सियों को जब हमने आपस में लिंक किया था तो सारी कुर्सियां अपनी असल हालत में रही थी, सिंपली आपस में लिंक हो गई थी। ये नहीं कि इसका हत्था निकाल दिया, उसकी टंगड़ियां निकाल दी और फिर जोड़ा, ऐसा नहीं किया। तो मेरे बच्चा कंडेंसेशन में क्या होता है कि अगर आपने n नंबर ऑफ x मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो जब ये कंबाइन हो रहे होंगे तो y पॉलीमर तो बनेगा, लेकिन y पॉलीमर के साथ साथ
स्मॉल साइज के कंपाउंड्स एलिमिनेट भी होते चले जाए। बड़ा ही क्लासिकल फर्क है, एक आसानी से समझ सकते हैं आप एडिशन और कंडेंसेशन का फर्क क्या, कि भाई जब एडिशन होती है तो जितने भी मोनोमर्स हैं वो सिंपली अपने ऑल टुगेदर स्ट्रक्चर के साथ ऐड हो जाते हैं, आपस में लिंक हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और जुड़ जाते हैं। जबकि कंडेंसेशन में क्या है, कंडेंसेशन में ऐसा ही है कि मिसाल के तौर पर आप सारे हैं, आपने कहा यार एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बंदी, तो ग्रुप बंदी में सब जुड़ गए, ज़ारिश को साइडलाइन कर दी, तो ज़ारिश का निकलना ये बात साबित करेगा कि एडिशन नहीं हो रही, एडिशन होती सब कंबाइन होते, ज़ारिश को निकाल दिया, उम्मे हनी को निकल चल निकल गए। तो अब ये जो पॉलीमर बनाया इसमें अपनी निक्के निक्के नन्ने नन्ने बच्चों को क्या किया, निकाल दिया। तो व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कि जिसमें मोनोमर्स का लार्ज नंबर कंबाइन होता है, पॉलीमर बनाता है, लेकिन इस फॉर्मेशन में दरमियान में कोई ना कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल भी रिमूव हो रहा होता है। और आमतौर पर अगर आपकी सिलेबस की एग्जाम्पल लेकर चले तो वो मॉलिक्यूल, वो निक्का कौन है, वॉटर। यूजुअली हमेशा वाटर नहीं होता, बट आपके सिलेबस में जितनी एग्जाम्पल है वाटर है उसमें, तो इसलिए बुक आपकी वाटर की तरफ रेफर करती है, लेकिन हमेशा वाटर जरूरी नहीं है। तो एडिशन और कंडेंसेशन आप सबको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये आपको जब तक हर ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आगे करेक्ट होगा, इसलिए किसी भी लेवल पे डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या कहा, एडिशन पॉलीमराइज, फिर से आ जाओ पीछे, मैक्रो मॉलिक्यूल याद करो, मैक्रो मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल, दो मोनोमर पॉलीमर, लार्जर स्ट्रक्चर का छोटा यूनिट मोनोमर, लार्जर स्ट्रक्चर पॉलीमर, मोनोमर से पॉलीमर का बनना पॉलीमराइजेशन। कितनी टाइप की है पॉलीमराइजेशन, दो। अब देखो ये इतना बोल लो कि याद हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन कितनी टाइप की है, दो टाइप की, एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन में क्या होता है, अभी लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन लिखवाता हूं, एडिशन में क्या होता है, मोनोमर्स का लार्ज नंबर सिंपली क्या होता है, एड होता है, कंबाइन होता है और लिंक करके एक पॉलीमर बना लेता है, कोई मॉलिक्यूल साथ में रिमूव नहीं होता। जबकि कंडेंसेशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर जब आपस में कंबाइन होते हैं तो बड़ा स्ट्रक्चर, लार्जर स्ट्रक्चर पॉलीमर बनता है, लेकिन ड्यूरिंग दैट फॉर्मेशन सम स्मॉलर मॉलिक्यूल यूजुअली वाटर इज एलिमिनेटेड। इज दैट क्लियर, डेफिनेशन लिखते हैं जल्दी से, शाबाश, डेफिनेशन लिखिए बेटा, ऑनलाइन वालों सबको क्लियर है जी, सारा, आसिम अली, मोहित, पलहा, सुहेब अली जी सर, हारिस, हसीब, हलीमा, उमर, चलो यस सर, डेफिनेशन लिखते हैं मेरे बच्चे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और डेफिनेशन यहां पर जी, पॉलीमराइजेशन प्लीज लिखते जाइएगा साथ साथ, इन विच मोनोमर्स आर सिंपली एडेड टू फॉर्म पॉलीमर विदाउट, यहां पर देखो मैंने वर्ड एडेड लिखा है, ये वर्ड आप कंडेंसेशन में नहीं लिख सकते, रिमूवल ऑफ एनी कंपाउंड, यहां क्या लिखेंगे बेटा, बुशरा मंजर समझ आती है बेटा बात, द प्रोसेस इन विच, हारिस तुम्हें क्लियर है, मोनोमर्स आर कंबाइंड, मोनोमर्स आर, देखो मैंने वहां पर वर्ड एडेड खा दिया, खत्म कर दिया, कंबाइन लिख दिया है, एडेड लिखोगे तो टेक्निकली मनाहल गलत हो जाएगा, कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर अलोंग विथ रिमूवल ऑफ, बहुत शुक्रिया, अलोंग विथ रिमूवल ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल यूजुअली वॉटर। तो मेरे बच्चे आई होप कि यहां तक बिल्कुल याद भी होता होगा क्लैरिटी के साथ, अली समझ आता है तुम्हें, हाँ भाई हलीमा की दोस्त राफिया बात समझ आती है, आसिम तुम्हें क्लियर है, नबीहा शफीक क्लियर है, हारिस हुसैन क्लियर है, ऑनलाइन वालों के मुंह में जबान खत्म हो गई क्या जी, कंडेंसेशन वाला फिर से समझा दें, कौन सा वाला बेटा, कंडेंसेशन वाला जी, क्या चीज परेशान, तुमने सुना नहीं है या कोई चीज डिस्क्रिपेंसी क्रिएट कर रही है, सर ये मुझे समझ नहीं आया कि y प्लस z क्या मतलब, और वो H2O भी था,
मैं बताता हूँ मेरे बच्चे, जब आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कर रहे होते हैं, तो जब आप मोनोमर्स को कंबाइन करते हैं, तो यस दे कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर, दिस इज व्हाई हियर इज अ पॉलीमर, ठीक है, इज अ लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, बट ड्यूरिंग दैट फॉर्मेशन वी लुक एट डिफरेंट स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेटर ऑन दिस चैप्टर एज वेल, बट फॉर नाउ व्हाई इज अ पॉलीमर, व्हाइल द व्हाई वाज फॉर्मिंग ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन सम स्मॉलर एटम्स आर एलिमिनेटेड एंड दे कंबाइन टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जी. इन योर बुक दिस इज वॉटर, पर्टिकुलरली जो आपकी बुक की एग्जाम्पल्स है उसमें वॉटर एलिमिनेट हो रहा है. तो इसलिए अगर हम डेफिनेशन को समझे तो कंडेंसेशन में मोनोमर्स कुछ इस तरह कंबाइन होते हैं कि पॉलीमर तो बनता है लेकिन साथ में वॉटर भी बनता है, जबकि एडिशन में ऐसा नहीं होता, मोनोमर्स सिंपली एड हो जाते हैं, कोई वॉटर शॉटर नहीं बनता, डायरेक्ट पॉलीमर बनता है, लार्जर स्ट्रक्चर बनता है. इज दैट क्लियर नाउ? यस. चलो गुड हो गया. अब एक बात मुझे बताओ, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सारे के सारे, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे सामने कोई रिएक्शन लिख दूं तो क्या मुझे रिएक्शन देखकर तुम्हारा क्या लगता है, दिमाग बता क्या कहता है, तुम बता दो कि एडिशन हो रही है कंडेंसेशन हो रही है, क्या क्या देखोगे अगर एक रिएक्शन लिखा हो? हाँ जी, वेरी गुड, सिंपल सा आइडिया है कि अगर एक रिएक्शन लिखा हुआ है और रिएक्शन में तुम देख रहे हो कि एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक प्रोडक्ट बनने का मतलब क्या हुआ, बोलो भाई सबसे बोलो. अगर एक ही प्रोडक्ट रिएक्शन लिखा हुआ है तो उसमें एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, तो डेफिनेटली वो क्या हुई, एडिशन. और अगर आपको एक प्रोडक्ट दिख के साथ छोटा मॉलिक्यूल वाटर वगैरह दिख रहा है तो डेफिनेटली क्या होगी, कंडेंसेशन हो गई, इसमें तो कोई मसला नहीं. तो एग्जामिनर ये नहीं देगा कभी भी आप, क्योंकि ये तो आप आसानी से बता देंगे ना कि एडिशन कौन सी हो रही है और कंडेंसेशन कौन सी हो रही है. भाई ये बात समझते हो कि जैसे मैंने ये रिएक्शन में समझाया कि आप इसको देखकर, अब चूंकि आपको एडिशन और कंडेंसेशन की समझ लग गई है तो आप देखकर बता सकते हो कि एडिशन और ये कंडेंसेशन, ठीक है ना. इसी तरह अगर मैं कोई स्पेसिफिक एग्जांपल देता, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूं, C2H4, n नंबर ऑफ C2H4 गिव्स C2H4n. मैं कहूं बताओ ये एडिशन का रिएक्शन है या कंडेंसेशन का, व्हाट डू यू थिंक? हां भाई ऑनलाइन वालों, एडिशन और कंडेंसेशन, ऑनलाइन वालों, एडिशन एडिशन एडिशन. सिंपली आपको नजर आ रहा है कि वी हैड वी गॉट मोनोमर्स और मोनोमर्स को जोड़ जाड़ के हमने कुछ दिखा दिया है, अलग से कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आपको लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज एडिशन. लेकिन इसी जगह पर अगर मैं आपके सामने ये लिखता कि भाई ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज गिव्स माल्टोज एंड वॉटर, अब मुझे बताओ ये कंडेंसेशन है कि एडिशन है? ऑब्वियसली इट्स कंडेंसेशन. तो ये बहुत सिंपल है कि अगर आपका एक ही स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है प्रोडक्ट में तो दैट्स एडिशन, और अगर वाटर साथ मिल रहा है तो दैट्स कंडेंसेशन. तो एग्जामिनर कभी भी आपको ऐसा नहीं देगा, क्योंकि ये तो फिर कोई भी बता देगा. अब एग्जामिनर आपसे अलग ही एम करेगा, वो क्या कहेगा, लिसन, और ये पहला मसला जो मैं इस चैप्टर में आपके लिए हल कर रहा हूँ. बच्चे परेशान रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा. एग्जामिनर कहेगा एक्स एक मोनोमर है, एक कंपाउंड दे देगा और आपको बताएगा कि ये क्या है, एक मोनोमर है. बताइए ये मोनोमर एडिशन करेगा या कंडेंसेशन, अब बताइए. अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स एक मोनोमर है, ठीक है ना, और रिएक्शन नहीं दे रहा मैं आपको, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड ही लिख देते हैं, मैं आपसे कहता हूं एक कंपाउंड है CH2CN इज अ मोनोमर, ठीक है ना, ये कंपाउंड है मोनोमर है, बताइए ये कंपाउंड एडिशन करेगा या कंडेंसेशन करेगा? कंडेंसेशन. एडिशन क्यों? ओ क्या लगा ये लॉजिक खुद्दू, ठीक, तुमने अपने अपने तो आप सही दिमाग इस्तेमाल किया, बट दैट्स नॉट, क्योंकि मैं तो एग्जांपल ही भी सिंपल सिंपल दी है, अभी तुम्हारे सिलेबस वाली एग्जांपल दूंगा तो फिर परेशानी भी हो जाएगी, तो टेंशन नहीं लो मेरे बच्चे. इसको मैं कहने लगा हूं ऐसा, इसी तरह क्या करता है एग्जांपल, ये क्वेरी समझ आ गई कि आपको एग्जामिनर एक कंपाउंड दे देगा, बोलेगा ये मोनोमर है, बताओ ये एडिशन करेगा या कंडेंसेशन. इसी तरह एग्जाम्पल कभी क्या करेगा, आपको एक बड़ा स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा ये पॉलीमर है, बताओ ये पॉलीमर एडिशन से बना या कंडेंसेशन से बना. तो अब यहां आपके दिमाग में सवाल आता है कि सर ये कैसे पता चलेगा, तो इसी चीज को पहले क्वेश्चन क्रिएट करना इसलिए जरूरी है ताकि जो मैं आपको आंसर समझा रहा हूँ आपको समझ आए. तो मेरे बच्चे अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोमर एंड पॉलीमर. रिएक्शन देखकर तो कोई भी बताएगा, लेकिन अगर एक सिंगल कंपाउंड लिखा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि ये मोनोमर है या पॉलीमर है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मोनोमर एडिशन का है या कंडेंसेशन का, या इसी तरह कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पॉलीमर एडिशन से बना है या कंडेंसेशन से. तो अब इसकी हेडिंग लगाएंगे बच्चों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोमर करेंगे पहले, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलीमर करेंगे. जल्दी से हेडिंग बनाएंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनो.
मत। बात ही नहीं बेटा, कैसे आइडेंटिफाई करना है बुशरा? बड़ा सिंपल है। अगर किसी मोनोमर में, बस ये बात ध्यान में रख लो, अगर किसी मोनो, और जो मैं ये बात बता रहा हूँ ये सिर्फ ओ लेवल्स के लिए नहीं है, ये आप आईजीसीएसई में होते, आप ओ लेवल का कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जो आपके बुक का नहीं है, या आप ए लेवल्स तक चले जाएं, तब तक ये बात, क्योंकि यही बात है जिसको देखकर फैसला होगा। तो याद रखिए बेटा, अगर जो मोनोमर आपको दिया गया है उस मोनोमर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड मौजूद है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, अगर जो मोनोमर आपको दिया गया है उसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड मौजूद है, तो वो एडिशन का मोनोमर, वो एडिशन करेगा। और अगर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं है, कुछ भी है उसके अलावा, तो कंडेंसेशन। क्या कहा मैंने? अगर फॉर एग्जांपल, अब मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं, मैं आपसे कहता हूं CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इज अ मोनोमर, ये एडिशन करेगा कंडेंसेशन। आपने कहा कि मोनोमर है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, ये एडिशन का मोनोमर है। मैं आपसे कहूं कि एक मोनोमर है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, एडिशन करेगा कंडेंसेशन करेगा? बोलो भाई, ऑनलाइन वालों, मुंह में कुछ फंस गया क्या तुम लोगों के? एडिशन करेगा कंडेंसेशन करेगा? एडिशन। क्या एडिशन देख रहे हैं? सिंपली यू नीड टू लुक फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने एक मोनोमर रखता हूं NH2 CH2 COOH, मैं कहता हूं दिस इज अ मोनोमर, बताओ ये एडिशन करेगा या कंडेंसेशन करेगा? अब बताइए, क्या इस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है कहीं पर? नहीं है ना। अगर मैं COOH को खोलूंगा तो COOH में भी क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना वो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप पढ़ चुके हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं खोल कर भी लिख दूं तब भी इसमें कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं होता। तो मेरे बच्चे ये मोनोमर किसका मोनोमर होगा बोलो? कंडेंसेशन का। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोमर, उम्मीद है कि बात समझ नहीं पाए होगे। क्या समझे? नहीं समझे ना यार। क्या कहा हमने कि मोनोमर को कैसे आइडेंटिफाई करना है? दैट्स वेरी सिंपल। अगर उस मोनोमर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो एडिशन का मोनोमर होगा, और अगर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, कुछ भी आ रहा है, देखा हुआ है नहीं देखा हुआ है, ठीक है, वो कंडेंसेशन का मोनोमर है। इज दैट क्लियर मनाहल कुरेशी, मिस्टर ओवेश कुरैशी की आप रिश्तेदार हैं? मनाल कुरैशी नहीं नाम आपका? तुमने अब चेंज कर लिया क्या? पहले तुमने मनाल कुरैशी बताया था, क्या नाम है वो? मनाहल मुगल है, लारिश मुगल, मनाहल मुगल। ये अब्बू का क्या है सुन रहा हूं, अब्बू से बात करनी पड़ेगी। नहीं, ये बहुत सारे नहीं, ये कुंभ के मेले में कोई भी दो बहनें तो नहीं मिल गई कहीं? तुम्हें तो नहीं पता कि तुम्हारी एक और बहन भी थी जो तुम्हारे अब्बू ने बताई नहीं, डिक्लेयर नहीं की? मनाहल मुगल है यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। जारिश मुगल अब कहाँ देखते, एक जमाना था कभी। खैर, उस वक्त वो मूवीज देखने काबिल भी थी, अब तो अल्लाह ही फरमाए। चलिए जी, तो मेरे भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोमर सबको क्लियर है? लेट्स मूव टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ये तो हमने बात कर ली कि मोनोमर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब अगर पॉलीमर बना हुआ आ जाए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। पॉलीमर एग्जामिनर का ये एक पॉलीमर है, बताइए ये एडिशन से बना है या कंडेंसेशन से? तो आए देखते हैं इसको, पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। उम्मे हनी, तुम्हें समझ आई बात? चलो, साल के आखिर होते होते तुम्हारा नाम तो मैं सही लेने लगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ऑनलाइन पे जितने बच्चे हैं सबको ये बात समझ आ गई? हसीब, सारा, मोहित, ताहा, आसिन, नदिया, जी सर, हारिस, फला। यस सर, सर अब पॉलीमर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पहले समझे। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पॉलीमर ड्रॉ कैसे करके देता है। हमेशा पॉलीमर, क्योंकि पॉलीमर देखो एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा। तो क्या वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लॉजिकली सोचो पूरे पेपर पे बना सकता है वो? एक पेज पर क्या इतना बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकता है? नहीं। तो याद रखिए, पॉलीमर कभी भी पूरा नहीं बना के देगा आपको, पॉलीमर का एक टुकड़ा देगा आपको, क्योंकि पूरा पॉलीमर ड्रॉ करना ऑन पेपर पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको हमेशा कहेगा कि ये फला एक पॉलीमर का ये टुकड़ा है। अब वो टुकड़ा है तो हमेशा पॉलीमर में एक चीज जो कॉमन आपको दिखेगी वो मैं आपको बताता हूँ क्या। फॉर एग्जाम्पल,
एक पॉलीमर्स ने आपको दिया, पॉलीमर जब भी आपको देगा वो कहेगा भाई ये कंपाउंड पॉलीमर का एक टुकड़ा है, इस तरह बना हुआ होगा। बेटा बातें नहीं करो, हमेशा पॉलीमर आपको इस तरह से दिया जाएगा। इसमें लॉजिक समझे थोड़ी है, क्योंकि पॉलीमर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, तो कभी भी पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मुमकिन नहीं है। तो याद रखें, पॉलीमर में आपको ढूंढना है इस निशान को, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी का निशान, कि ये उसने एक स्ट्रक्चर का छोटा सा हिस्सा दिया, और ये जो आगे कंटिन्यूटी हो रही है, जो ब्रैकेट के साथ ओवरलैप कर रहा है जो बॉन्ड, ये इसका मतलब है कि यहां से चेन ये आगे चल रही होगी। ये पॉलीमर का छोटा सा टुकड़ा है, ये राइट और लेफ्ट दोनों पर और बड़ा स्ट्रक्चर है, जिसका कुछ हिस्सा यहां पर ड्रॉ करके दिया है। इसे हम कहते हैं ग्रोइंग चेन। क्या कहते हैं? ये पॉलीमर का स्ट्रक्चर यहां से ग्रो करेगा, ये वो एटम है जो आगे बॉन्ड को कंटिन्यू करेगा। तो बेटा आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है पॉलीमर? आपने ग्रोइंग चेन को देखना है। ग्रोइंग चेन में अगर सिर्फ कार्बन एटम्स आ रहे हैं, मेरी बात गौर सुनो, अगर ग्रोइंग चेन में सिर्फ कार्बन एटम्स हैं, देखो मोनोमर पॉलीमर दोनों में बात कार्बन भी चल रही है, अगर ग्रोइंग चेन में सिर्फ कार्बन है, देखो यहां पर मैंने जानबूझ के ऐसी एग्जांपल दी है जिसमें तुम्हें यहाँ क्लोरीन और फ्लोरीन भी नजर आ रहा है, लेकिन क्या क्लोरीन फ्लोरीन ग्रोइंग चेन का पार्ट है? अरे उधर देखो ना, क्या क्लोरीन और फ्लोरीन ग्रोइंग चेन का पार्ट है? नहीं है। ग्रोइंग चेन में सिर्फ क्या आ रहे हैं? कार्बन एटम्स आ रहे हैं। यस और नो? अगर पॉलीमर की ग्रोइंग चेन में, कंटिन्यूटी चेन में सिर्फ कार्बन एटम्स आ रहे हैं, तो ये एडिशन से बना हुआ पॉलीमर। क्यों? क्योंकि इसका मोनोमर कार्बन वाला था ना, तो पॉलीमर में भी जो ग्रोइंग चेन होगी वो सिर्फ क्या होगी? कार्बन वाला। भाई मोनोमर क्या था एडिशन का? जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला मोनोमर था। तो पॉलीमर भी जब फॉर्म होगा फरिया, तो उसकी ग्रोइंग चेन में, मेरी बात गौर से सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कार्बन के अलावा कोई एटम नहीं होगा, ग्रोइंग चेन में कार्बन के अलावा कुछ नहीं। आप अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें क्लोरीन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें फ्लोरीन भी है, लेकिन जो ग्रोइंग चेन वाला बॉन्ड लिंकेज है उसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम नहीं है। दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑफ अ एडिशन पॉलीमराइजेशन। जबकि अगर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी तो याद रखें उसकी ग्रोइंग चेन में कार्बन के अलावा भी कोई एटम होगा, उसकी ग्रोइंग चेन में कार्बन के अलावा भी कोई एटम लाजमी होगा। मसलन एग्जाम्पल देखें, आपकी बुक की एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, आपको कहता है कि दिस इज अ पॉलीमर। सुहेब बात समझ आ रही है? सुहेब आपको कहता है दिस इज अ जी सर। पॉलीमर। अब मुझे बताओ इसकी ग्रोइंग चेन कहाँ है? कंटिन्यूटी का निशान पकड़ो, ग्रोइंग चेन क्या ये है ना, इस लाइन में आ जाओ। अब इस लाइन में अगर आप एटम्स को देखें तो आपको एक तो कार्बन नजर आ रहा है, फिर एक डब्बा नजर आ रहा है, डब्बा भी कार्बन चेन ही होता है। आपके सिलेबस में बड़ी बड़ी कार्बन चेन बनाई नहीं गई, उसकी जगह डब्बा बना दिया। लेकिन आप अगर आगे चले तो फिर आपको क्या नजर आ जाएगा बॉन्ड से? नाइट्रोजन। तो मेरे बच्चे, जो कंडेंसेशन का पॉलीमर होता है उसकी ग्रोइंग चेन में कार्बन तो होता है, लेकिन कार्बन के अलावा भी कोई एटम लाजमी होता है। ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, आपके सिलेबस में तो ये दोनों ही। दोबारा सुन लो क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करो और मेरे साथ मुझे पॉइंट्स सुनने। जी मोनोमर क्या होता है? शाबाश, क्विकली। मोनोमर स्मॉलर यूनिट ऑफ अ लार्जर स्ट्रक्चर, ठीक है। पॉलीमर क्या होता है? जब बहुत सारे मोनोमर कंबाइन होकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उस बड़े स्ट्रक्चर को पॉलीमर कहते हैं। इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन। कितनी टाइप का होता है? एडिशन कंडेंसेशन। एडिशन में मोनोमर सिंपली ऐड होते हैं, कोई मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता। कंडेंसेशन में मॉलिक्यूल इस तरह से कंबाइन होते हैं कि साथ में वाटर जैसा मॉलिक्यूल रिमूव भी होता है। रिएक्शन देकर कैसे बताएंगे? अगर वाटर साथ बन रहा है तो कंडेंसेशन, वरना एडिशन है। अब अलग से अगर कंपाउंड दे दिया जाए तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसका जवाब हमने आपको दिया कि भाई जो मोनोमर होगा, एडिशन का जो मोनोमर होता है, एडिशन के मोनोमर में बोलो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होगा, और जिस मोनोमर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं है वो एडिशन का मोनोमर नहीं है, यानी कंडेंसेशन का मोनोमर है। जी अस्सलाम वालेकुम जाद भाई। अच्छा अभी क्या कह रहे हैं, एक दफा खराब होकर कैसे हो गया? एसी वाली लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे यार जाद भाई, ऐसे धक्के नहीं लगाए, क्या हुआ इसमें? फिर क्या करना चाहिए, या रेडियो वाले को भेज दें?
क्या कह रहे हैं यार, खुद खुद हाँ बेहतरीन चल रहा है यार। वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे कूलिंग करता है वरना नहीं करता। अच्छा लेकिन तो इसकी कॉइलिंग का कुछ करें ना, इसके ऊपर कुछ कुछ करें, इसकी लीकेज वीकेज बंद हो जाए, जिससे फिर हो जाए कोई मामला ये डिफ्रीजर वाले का। हाँ मुझे अंदाजा है उसमें जंग आ गया था, वो मैंने देखा हुआ है। अच्छा चले, और उसका क्या हुआ? मैं वो ले ली, मेजरमेंट ले ली आप? सही है, ऊपर रखना है, समझ देख लिया, समझ लिया कहाँ लगाने का, ऊपर कहाँ रखेंगे। हाँ सही है, ठीक है। क्यों इसमें ज्यादा क्यों लग रहा है? सही है, खर्चा बस, आप खर्चा बनाएंगे नहीं, आप बस जो भी होगा अपने मुनासिब तौर पे ले आएंगे, ले आके लगा देंगे। टेंशन फ्री हूँ इस मामले में। अभी आपने कब जाई उखाड़ लेंगे, हमने कौन सा दूसरा बंदा बुलाना है? नहीं मजबूर नहीं है, बस हमने आपको दिल दे दिया है। ठीक है जहाँ पे देख लें फिर। सही है, कब आप लगाएंगे आप? हाँ कोई है क्या बंदा? अरे तो फिर जब आप ये लगाने आएंगे फिर दिन दिन में तो लेंगे, भी रात में थोड़ी लेंगे। है आपके पास? अच्छा बस ठीक है, बस फिर मेहरबानी, फिर आप उसको उसके सर्विस चार्जेस भी शामिल कर लें, बिल्कुल धोना है उसको। ठीक है ठीक है, ओके नो इश्यूज, नो इश्यूज, बेहतर, ओके 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 ओके, अल्लाह। हाँ ठीक है, बेहतर बेहतर, ओके लव। अच्छा बेटा कंटिन्यू करते हैं बेटा, आइडेंटिफिकेशन सबको समझ आ गई मोनोमर पॉलीमर की, आगे जा रहा हूँ बेटा। आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गई सबको? अब मेरे बच्चे इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा शुरू होता है। अब आप कह सर अभी तो चैप्टर ही शुरू हुआ, आखिरी हिस्सा कैसे आ गया? तो बेटा आखिरी हिस्सा ऐसे आ गया कि अब इस चैप्टर में आ गया एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, यानी अब हम एग्जाम्पल स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स की बात करेंगे एडिशन पॉलीमर्स की और कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। एडिशन के एग्जाम्पल्स, कंडेंसेशन के एग्जाम्पल्स, चैप्टर खत्म। मेरे बच्चे अब हेडिंग बना लीजिए एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स। आज मैं आपको एडिशन पॉलीमर्स करा दूंगा और उसके बाद आप करेंगे अगली एक सेशन में कंडेंसेशन चैप्टर खत्म, ऑर्गेनिक खत्म। चलो बेटा तवज्जो से देखिएगा बेटा, हेडिंग बना लीजिएगा एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स, और यहां पर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, उस पर थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, साथ साथ छापने की जरूरत नहीं है। बेटा यहां बच्चे रट्टा लगा रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी का रट्टा लग जाए। आए जरा एक चीज आपको दिखाते हैं, समझाते हैं, कोशिश करें कि अभी कोई भी लिखे नहीं, आपको एक एक पैटर्न दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ आए कि जो एग्जाम्पल हम अलग अलग पढ़ रहे हैं वो असल में अलग है या उनमें सब में एक ही जैसा पैटर्न। ठीक है, जुगाड़ तरीका स्मार्ट वे में जाएंगे बेटा। तीन एग्जाम्पल, कितनी एग्जाम्पल है आपकी बुक में जो आपने कवर करनी है, वो तीन एग्जाम्पल्स है। आपके एग्जाम में भी यही तीन एग्जाम्पल आती है, अगर इनके अलावा कोई एग्जाम्पल आएगी तो बिल्कुल इन जैसी आएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरह से आ सकती है। तो पहली एग्जाम्पल जो हम देखेंगे, कोई भी साथ साथ लिखता हुआ नजर ना आए मुझे, पहली एग्जाम्पल जो हम देखेंगे बेटा वो है इथीन टू पॉलीथीन। पहली एग्जाम्पल जो हम देखेंगे वो है इथीन को यूज करके क्या बनाना बेटा, पॉलीथीन। आप जानते हैं पॉलीथीन प्लास्टिक होती है, थैलियों में इस्तेमाल होती है, बॉटल्स में इस्तेमाल होती है। प्लास्टिक की जितनी भी शॉपर्स आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दूध वाली शॉपर हो या नॉर्मल थैली हो या इम्तियाज या
ना हीट से मिलने वाला थोड़ा सा रिलेटिवली अच्छी क्वालिटी का शॉपर हो, या जो प्लास्टिक बॉटल्स आप इस्तेमाल करते हैं इनमें ज्यादातर पॉलीथीन होता है। पहला एग्जाम्पल ये, कोई लिखता हुआ नजर ना आए इसका मतलब क्या होता है। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा विनाइल क्लोराइड। टू पॉली विनाइल क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं पीवीसी। अब पीवीसी लिखते ही आपको दिमाग में ठंडे का सुना है आपने, जितने भी पाइपिंग्स आप सराउंडिंग में अपने देख रहे हैं, जो सैनिटरी पाइपिंग्स हो रही हैं, जो सारी प्लम्बरिंग हो रही है, उसमें जो पाइपिंग इस्तेमाल हो रही है, किसी जमाने में आयरन रॉड इस्तेमाल होते थे, अब तो सारा ये पीवीसी पे चल रहा है, तो पॉली विनाइल क्लोराइड। और तीसरी एग्जाम्पल जो मेरे बच्चे आप देखेंगे वो है प्रोपीन टू पॉली प्रोपीन। बेटा बातें नहीं करो, बात जहन में नहीं बैठेगी, मैं जिस तरह मैं चाह रहा हूं। तीन एग्जाम्पल्स हैं, और बाहर आपको लगता है कि सर ये बड़े मुश्किल होंगे, नहीं, पहले आपने वर्ड इक्विवेलेंट समझ ली। अब वर्ड इक्विवेलेंट समझने के बाद आप गेम देखें क्या होगा, जो मैं आपको सिखा रहा हूं तब समझा रहा हूं उसको समझे मेरे बच्चे। इथीन टू पॉलीथीन, आपने इथीन के लिए क्या किया, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बनाया। तवज्जो, इथीन के लिए भाई मोनोमर में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होना चाहिए, और इथीन तो आप पढ़ चुके हैं एल्कीन में, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बनाया और इसके ऊपर नीचे दो हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है जी। जब आपने विनाइल क्लोराइड बनाना है, गौर से देखो, आपने बिल्कुल वैसे ही कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बनाया। पहले केस में क्या किया था, चारों तरफ क्या लगाए थे बेटा, ऊपर हाइड्रोजन लगाए थे। अब चार में से किसी एक जगह पर अपनी मर्जी से क्या लगा दें, क्लोरीन लगा दें। भाई नाम है विनाइल क्लोराइड, तो इट इज ऑब्वियस कि कहीं ना कहीं क्लोरीन तो आएगा। आप जरा गौर से देखिए, क्या ये अलग है, एक्चुअली पैटर्न तो सेम ही रिपीट हो गया ना, कि अगर आप गौर से देखें साइड बाय साइड देखें तो आपको नजर आएगा उसमें भी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ऊपर नीचे हाइड्रोजन था, और इसमें भी वही कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड चार कॉर्नर्स पर हाइड्रोजन की जगह किसी एक कॉर्नर पर, आपकी मर्जी नीचे लगाएं ऊपर लगाएं, क्लोरीन लगा दें। प्रोपीन प्रॉप मतलब तीन कार्बन, तो प्रो कर रहे हैं, देखें ये भी बड़ा सिंपल। प्रोपीन कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, वही कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बनाया और किसी एक जगह पर एक और कार्बन लगा दीजिए, क्योंकि प्रोपीन है तो प्रोपीन में टोटल कार्बन कितने होने चाहिए, तीन। अब आप जरा पैटर्न को फॉलो करें गौर से, अगर आप तीनों को एट अ ग्लैंस देखेंगे तो तीनों की सिमिलैरिटी आपको समझ आएगी, और आपको ये समझ आएगा कि इतना मुश्किल तो था ही नहीं जितना हम समझ रहे थे, क्योंकि आप देखें तीनों में एक ही पैटर्न फॉलो हुआ है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, पहले वाले में चारों हाइड्रोजन लगे हैं, दूसरे वाले में किसी एक तरफ क्लोरीन लगा हुआ है, तीसरे वाले में किसी एक तरफ कार्बन लगा हुआ है जी। तो पैटर्न समझ आता है। अब आप क्योंकि पॉलीमराइजेशन कराने जा रहे हो तो बेटा जाहिर है एक तो नहीं लोगे, क्या लोगे, एन नंबर ले लो, एन नंबर ऑफ इथीन ले लिया। अब पॉलीमर कैसे ड्रॉ करना है बेटा, ये तो और आसान है, और आसान है। क्या करना है, तुमने पॉलीमर ड्रॉ करने में मोनोमर उठाया, कैसे जुड़ेंगे आपस में, दोबारा से मोनोमर को रीड्रॉ किया, ये डबल बॉन्ड हटा दिया ये, और इन दोनों कार्बन से ऐसे कंटिन्यूटी का बॉन्ड दिखाया ये, ब्रैकेट बनाया ये, और साइड में लिख दिया एन, दैट्स ऑल। मोनोमर से पॉलीमर बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों, असल में हुआ क्या, कंसेप्चुअली क्या हुआ, ये तो मैंने रट्टा लगवाने के लिए बता दिया, कंसेप्चुअली क्या हुआ भाई, ये मोनोमर है, इस जैसे आप 200 यूनिट लेते हो तो क्या होगा, कार्बन का डबल बॉन्ड टूटेगा और ये कार्बन किसी अगले, मान लीजिए इसके बराबर में दूसरा इथीन मॉलिक्यूल था, तो क्या होगा, दोनों के डबल बॉन्ड टूटेंगे और ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। वो आगे आओ, आगे 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 आगे, आपको 10-12 थोड़ी बनाना है, आपको सीखना है बनाना कैसे। तो मैंने क्या कहा, बच्चा घबराता है, मैंने पहली कंफ्यूजन आपकी क्लियर की, बस तीन एग्जांपल। दूसरी कंफ्यूजन क्लियर की कि तीनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पहले में चारों पे हाइड्रोजन है, फिर एक में क्लोरीन है, एक में एक और कार्बन है, बस। फिर पॉलीमर कैसे बनाने, सर कह रहे हैं मोनोमर कोई दोबारा ड्रॉ करो, डबल बॉन्ड हटा के दोनों कार्बन पे कंटिन्यूटी लगा दो, बस हो गया। अब बताओ नीचे कैसे बनाएंगे, सेम पैटर्न। ऑनलाइन वालों शुक्र अदा कर लो थोड़ा सा, सेम पैटर्न क्या होगा बोलो, यहां से मोनोमर उठाया, दोबारा रीड्रॉ किया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तोड़ना क्यों जरूरी है, डबल बॉन्ड टूटेगा तो ही तो नया बॉन्ड बनेगा, और फिर क्या किया बेटा, यहां पर बोलो ना यार, गूंगे बने हो, दोनों कार्बन पर
कंटिन्यूटी का निशान लगाया, ब्रैकेट बनाया, सुहेब हारिस बात समझ आ रही है, और एन लगा दिया कि भाई जब एन नंबर ऑफ हम विनाइल क्लोराइड लेंगे, ड्रॉ करने की स्मार्टनेस साइंस समझ रहे हो कि जब एन नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड लेंगे तो वो सारे आपस में लिंक होंगे और लिंक होकर पीवीसी बना लेंगे। तीसरा स्ट्रक्चर देख लो, अब तो पैटर्न समझ ही आ गया कि अगर मैं एन नंबर ले लूं किसका, प्रोपीन का, तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। तो आपने यहां एन नंबर ले लिया, पॉलीमराइजेशन आप शो करने जा रहे हो, आपने क्या करना है बेटा जल्दी से बोलो, यहां से कंटिन्यूटी का निशान, यहां कंटिन्यूटी का निशान, यहां ब्रैकेट, यहां ब्रैकेट, यहां नंबर ऑफ एन, और सबसे इंपॉर्टेंट डबल बॉन्ड को हटा दिया, दैट्स इट। मोनोमर्स को कंबाइन करना था, मैंने क्या हेडिंग लगाई थी, एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स। कितनी एग्जांपल है अब एक ग्लांस में देखो, पहले अगर मैं डायरेक्टली एक कन्वेंशनल तरीके से बताता अब तो सॉरी ये तो मुश्किल है। अभी क्या मुश्किल है, एडिशंस के तीन एग्जांपल, इथीन टू पॉलीथीन, प्रोपीन टू पॉलीप्रोपीन, विनाइल क्लोराइड टू पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब अगर इसके अलावा भी कोई आ जाए सेम पैटर्न, डबल बॉन्डेड कार्बन रहेगा और उसका डबल बॉन्ड हट जाएगा और दोनों कार्बन से कंटिन्यूटी बन जाएगी। बस बेटा क्या सबको इंशरा सारा मोहित तोहा नबीहा बात समझ आती है? जी नबीहा बोलो बेटा, कोई सवाल है? इंशरा सारा कोई सवाल है? व्हाट इज विनाइल? विनाइल क्लोराइड इस नीचे वाले कंपाउंड को कहते हैं ना बेटा, कंपाउंड का नेम है ना, ये है विनाइल। समझ आया या नहीं आया? कुछ इसमें सिमिलैरिटी दिख रही है? क्या सीखा तुमने कि भाई डबल बॉन्ड को हटाकर वही यानी मोनोमर को ही रीड्रॉ करना होता है, डबल बॉन्ड को हटा देना होता है, और कंटिन्यूटी का निशान बनाना भूलोगे नहीं। अगर तुम वो निशान भूल गए इसका मतलब है तुमने स्ट्रक्चर छोटा कर दिया। क्लियर? दैट्स इट। ये एग्जांपल आप अपने तौर पर बना लें, बगैर देखे बनाए तो और मजेदार है। यूसुफ तुम्हें समझ आ गया? यहां पर हमारे चैप्टर में हम पहुंच गए, एग्जांपल ऑफ एडिशन खत्म हो गई। अब हमें सिर्फ क्या करना है, एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन, वो थोड़ी ज्यादा है, ठीक है ना, वो थोड़ी ज्यादा है तो, और थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है बार दफा, तो मैं हमेशा एक गो में कराता आया हूँ, लेकिन वहां पर आने के बाद थोड़ा सैचुरेशन दिखता है। तो अभी इस साल हमने दो हिस्से में डिवाइड करके कराया तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा फायदा हुआ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडिशन खत्म हुआ। क्या यहाँ तक चैप्टर याद हो गया?